आजादी, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हम सभी का हृदय देशभक्ति से भर जाता है। हम सब आजादी की उस महान गाथा का अनुभव भी करने लगते हैं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मेरे पीछे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ आजादी की ऐसी ही कहानी का द्योतक है। ये वही पेड़ है जहाँ किसी जमाने में शहीद महाराजा बख्तावर सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी। जहाँ नीम के इसी पेड़ पर उन्हें 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। और ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति महाराजा बख्तावर सिंह की है, जिनके स्मारक में ये स्थान नियत किया गया है। आज़ादी का इतिहास यूँ तो काफ़ी पुराना है, लेकिन 1857 की क्रांति में यदि मालवा निमाड़ के योद्धाओं का जिक्र किया जाए तो उस जिक्र में राजा बख्तावर सिंह का नाम प्रमुखता से आता है। ये एक इतिहास है जो आज शायद भुला दिया गया हो, लेकिन यदि हम आज आज़ाद हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस इतिहास की, इस शख्सियत की एक बड़ी भूमिका रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत की सुरम्य श्रृंखलाओं के बीच द्वापरकालीन ऐतिहासिक अमझेरा नगर बसा है। 1856 में यहाँ के राजा बख्तावर सिंह के पूर्वज मूल रूप से जोधपुर राजस्थान के राठौड़ वंशी राजा थे। पहले अमझेरा राज्य बहुत बड़ा था, जिसमें भूपावर और दत्तीगांव भी शामिल थे। कालांतर में अमझेरा, भूपावर और दत्तीगांव अलग अलग राज्य हो गए। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय अमझेरा के शासक थे महाराणा बख्तावर सिंह। इनके पिता का नाम राव अजीत सिंह और माता का नाम रानी इंद्र कुंवर था। महाराणा को शिक्षा दीक्षा एवं अस्त्रों के संचालन का अच्छा प्रशिक्षण दिया गया था। उनके धार तथा इंदौर के शासकों के साथ अच्छे संबंध थे। इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटानियों ने यहाँ फौजी छावनी स्थापित की थी और पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किए थे। 1856 में यहाँ के राजा बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से खुला युद्ध किया, लेकिन आसपास के राजा अंग्रेजों से मिलकर चलने में ही अपनी भलाई समझते थे। राजा ने इससे हताश न होते हुए 3 जुलाई 1857 को भोपावर छावनी पर हमला करते हुए उसे कब्जे में ले लिया। इससे घबराकर कैप्टन हचिनसन अपने परिवार सहित भेष बदलकर झाबुआ भाग गया। क्रांतिकारियों ने उसका पीछा किया, लेकिन झाबुआ के राजा ने उसे संरक्षण दे दिया। इससे उसकी जान बच गई। भोपावर से बख्तावर सिंह को पर्याप्त युद्ध सामग्री हाथ लगी। छावनी में आग लगाकर वे वापस लौट आए। उनकी वीरता की बात सुनकर धार के 400 युवक भी उनकी सेना में शामिल हो गए। लेकिन 1857 में इंदौर के राजा तुकोजीराव होलकर के सहयोग से अंग्रेजों ने फिर इस छावनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे नाराज होकर बख्तावर सिंह ने 10 अक्टूबर 1857 को फिर से भोपावर पर हमला किया। इस बार राजगढ़ की सेना भी उनके साथ थी। लगभग 3 घंटे के संघर्ष के बाद सफलता एक बार फिर राजा बख्तावर सिंह को मिली। युद्ध सामग्री को कब्जे में कर उन्होंने सैन्य छावनी के सभी भवनों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद राजा ने मानपुर गुजरी की छावनी पर 3 ओर से हमला कर उसे भी अपने अधिकार में ले लिया। 18 अक्टूबर को उन्होंने मंडलेश्वर छावनी पर हमला किया। वहां तैनात कैप्टन कैंटिज और जनरल क्लार्क बहु भाग गए। राजा के बढ़ते उत्साह, साहस और सफलताओं से घबरा कर अंग्रेजों ने एक बड़ी फौज के साथ 31 अक्टूबर 1857 को धार के किले पर कब्जा कर लिया। नवम्बर में उन्होंने अमझेरा पर भी हमला कर दिया। बख्तावर सिंह का इतना आतंक था कि ब्रिटिश सैनिक भी कठिनाई से इसके लिए तैयार हुए। पर इस बार राजा का भाग्य अच्छा नहीं था। तोपों से किलों के दरवाजे तोड़कर अंग्रेज सेना नगर में घुस गई। राजा अपने अंगरक्षकों के साथ धार की ओर निकल गए, लेकिन इस बीच उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें महू जेल में बंद कर दिया गया और घोर यातनाएं दी गई। इसके बाद उन्हें इंदौर लाया गया। राजा के सामने 21 दिसंबर 1857 को कामदार गुलाबराज पटवारी, मोहनलाल ठाकुर, भवानी सिंह संदला सहित उनके कई साथियों को फांसी दे दी गई, लेकिन राजा विचलित नहीं हुए। वकील चिमनलाल, राम सेवक मनशाराम तथा नमाजवाचक फकीर को कालकोठरी में बंद कर दिया गया, जहां घोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। अंततः 10 फरवरी 1858 को इंदौर के एमटीएच कंपाउंड में देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजा बख्तावर सिंह को भी फांसी दे दी गई। देखिए 1857 की क्रांति में जहां दूसरे राजा अंग्रेजों की गुलामी में व्यस्त थे, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, वहां एकमात्र सुरवीर
मध्य प्रदेश के गौरव बख्तावर सिंह जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। साहसी, पराक्रमी और आत्मविश्वास से लबरेज बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वालों पे ही बहुत ज़्यादती होती थी। इन्होंने तो पूरा युद्ध लड़ा, भोपावर छावनी को जीता, लेकिन सरकारें जो वास्तविक सच्चे देशभक्त हैं उनकी कद्र नहीं करती हैं। ये देखिए आप, उनका जो स्मारक है वो कैसा रखा हुआ है। बड़े बड़े योजनाओं में पैसा लगाते हैं, पर इस जो सच्चे देशभक्त हैं जिनके लिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, उनके लिए काम नहीं करती है। हमारी संस्था इंदौर के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को और पूरे भारत देश में इनकी अच्छाइयों की, इनके जीवन न्योछावर करने की कहानियाँ बताने जा रही है। हम इसके लिए बड़े टाइम से संघर्षरत है और इसको हम अपने मुकाम पे पहुँचाएंगे। आगे हम चाहेंगे कि लाल किले के जो शहीद स्मारक है वहाँ पर भी बख्तावर जी, भगत सिंह, भागीरथ सिलावट, वंश गुलाम, इनकी कहानियाँ वहाँ पर प्रदर्शित की जाए। और जिन लोगों ने, मध्य प्रदेश के जिन लोगों ने भारत देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, उनकी जीवनियाँ और उनका परिचय पूरे देश को पता लगे। ये गाथा थी आज़ादी की, ये गाथा थी उन वीर सपूतों की जिन्होंने भारत माँ के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और इस स्वतंत्रता दिवस टैलेंटेड इंडिया की एक कोशिश है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को और आज की युवा पीढ़ी को भी आज़ादी के ऐसे ही चिरागों से रूबरू करवाएं, ताकि भविष्य में भी देशभक्ति का, क्रांति का जज्बा कायम रह सके। अपने सहयोगी आयुष यादव के साथ राहुल तिवारी, टैलेंटेड इंडिया, इंदौर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।